हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बहुत ही अच्छे होंगे। आज फिर से एक नई वीडियो लेकर के आ गया हूँ आपके लिए। और ये इलेक्ट्रिक स्कूटर का मोटर आप देख रहे हैं, और अपने बस कई सारे मोटर आए थे तो सभी में टायर चढ़वा दिया। उसके बाद ये मोटर जब लगाया गाड़ी में तो टायर थोड़ा हाथ से घुमा के देखा तो नहीं घूम रहा था, तो समझ गया कि ये मोटर कुछ प्रॉब्लम है। तो बाद में इसको स्विंगम में फिट करके, गाड़ी में मतलब फिट करके हाथ से ज़ोर से ताकत लगाया, फिर भी ये नहीं घुमा। बहुत ज़्यादा जाम था, तब सोचे इसको खोलते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो अभी मैं इसको खोला हूँ, देखिए एक बार भी नहीं चला है, ये एक ही जगह अटका था, जैसे वहाँ से आया वैसे ही है। देखिए मैग्नेट इसका थोड़ा भी घिसा फिसा नहीं है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम था मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इधर कुछ गम वगैरह इधर क्या गिरा दिया था इसमें, देखिए इसके लिए पकड़ लिया था। और अभी मैं इसमें ये लकड़ी में देखिए पटक रहा था तो भी नहीं निकल रहा था, ज़ोर से पटका तो फिर निकला। ये आप देख रहे हैं मैग्नेट में भी दिखाता हूँ आपको दाग, ये देखिए यहाँ पर पकड़ा था और काफ़ी ज़्यादा जाम था, ये मोटर यहाँ पर पकड़ लिया था। और इसमें मेरे ख्याल से एरोलाइट जैसा कोई गम है, मजबूत गम, इसलिए नहीं। और मैं कंट्रोलर से हाथ से नहीं घूम रहा था, कंट्रोलर से भी नहीं घूमेगा, कंट्रोलर से भी एक बार ट्राई मारा नहीं घूमा वो, तो इस वजह से नहीं घूम रहा था। अभी ये गम को मैं साफ करता हूँ, उसके बाद ये मोटर देखता हूँ घूम रहा कि नहीं। वहीं से जाम आया था जहाँ से मोटर आता है। अब ये देख रहे हैं नया मोटर है, पूरा न्यू, देखिए टायर में भी देखिए धूल वगैरह नहीं लगा है। ये देखिए इसका वायरिंग अभी भी नहीं खोला हूँ, ये देखिए देखिए इसका कनेक्टर वगैरह आपको मालूम चल रहा होगा। तो इसका मैं गम साफ करके और वापस लगाता हूँ, उसके बाद देखता हूँ